Hello students, here is your math teacher Sanjeev Sikri. Today I am going to take a question from chapter Application of Trigonometry for standard 10. So let's read the question before solving it. From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of tower. So that means we are given two buildings. One is 7 meter high building, the other is cable tower. Let's draw the diagram so that it will be more clear to you. Let this be the tower and other side it is 7 meter high building. Let's take this as AB, 7 meter high building. From the top of 7 meter high building, that is from A, the angle of elevation of top of cable tower. Yahan se cable tower ke top ka angle. Let it be CD. यहाँ पे horizontal बना लें. The angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and angle of depression, इसी point से angle of depression of the foot of cable tower is 45 degree. ये angle 45 degree है. That means we have two angles, 60 and 45. We need to find the height of tower. Height of tower means we need to find CD. तो चलिए इस CD को मैं H मान लेता हूँ, जो हमने find करनी है. स्टूडेंट्स, जो हाइट आपने फाइंड करनी हो कोशिश करना उसी को एच लें ताकि आपको लास्ट में जो आंसर आए वही लास्ट में बने. सो ए बी ये 7 है तो या इसका मतलब ये सामने इसके जो आपको दिख रही है, मैं इसको पॉइंट ई मार करता हूं, ई डी, ये भी 7 आएगी. तो चलिए ई डी को 7 मार कर लिया और ऊपर सी ई आपको दिख रही है, सी ई कितनी आएगी, ये पूरी h है, ये 7 है, तो ये आ जाएगी h माइनस 7. सो आई होप डायग्राम आपको समझ आ गई. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर 60, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर. सो वी हैव टू ट्राइंगल्स, लेट्स राइट द टर्म्स विच वी हैव एंड विच वी नीड टू फाइंड. तो हमें गिवन क्या है, एक है ए बी विच इज 7 मीटर और एक हमने लेट किया है किसको, सी डी को. लेट सी डी इज इक्वल टू एच मीटर. अब ई डी भी कितनी है, ई डी वो ए बी के इक्वल है, वो भी 7 मीटर. तो इसका मतलब जो ऊपर सी ई अपने को दिख रही है इट इज एच माइनस 7. सो आई होप आपको टर्म्स क्लियर है. तो आपको दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, एक यहां पे सी ई ए और एक ये वाली ए ई डी, ये दो ट्राइंगल्स. अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है हम पहले उस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे टी रेशियो जहां पे एंगल क्या होगा 45 डिग्री. सो अगर इन दो एंगल्स को देखें तो दोनों ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर गिवन है और दोनों में जो बेस है वो कॉमन है, बेस है ए ई, वो दोनों में कॉमन है. तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो बनती है वो है टेंजेंट. तो चलिए दोनों ट्राइंगल्स में एक एक करके टेंजेंट अप्लाई करते हैं. पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए ई डी जो कि 45 डिग्री वाली है, इसमें अप्लाई होगा टेन 45 डिग्री. टेन 45 मीन्स परपेंडिकुलर ई डी ओवर बेस ए ई, परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan 45 वैल्यू 1, ई डी इज 7, ए ई वी डू नॉट हैव, ए ई को इधर ले जाएं विच कम्स टू बी 7. सो ए ई की वैल्यू आ गई 7. अब दूसरी ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, इन ट्राइंगल ए ई सी, उसमें अप्लाई होगा tan 60 डिग्री. तो ध्यान से देखिएगा tan 60 डिग्री मींस अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो परपेंडिकुलर इज सी ई ओवर बेस इज ए ई. tan 60 की वैल्यू आपको याद होगी रूट 3, सी ई, सी ई इज एच माइनस 7 एंड ए ई इट इज 7. सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई इट, ये इधर जाएगा, इट विल बी 7 रूट 3 इज इक्वल टू एच माइनस 7. तो चलिए 7 को इधर ले आते हैं ताकि आपके पास h की वैल्यू आ जाए.
सो ये आ गया 7√3 + 7 = 8। तो आपको यहां से कॉमन 7 दिख रहा है, कॉमन लेंगे अंदर बच जाएगा √3 + 1। तो एज आई टोल्ड यू, आपने रूट थ्री की वैल्यू तभी पुट करनी है जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो। आपको क्वेश्चन गिवन होएगा यूज √3 = 1.73, लेकिन मैं पुट करूंगा ताकि आपको पता चले हाउ टू मेक द कैलकुलेशंस। सो 7 रूट थ्री की वैल्यू 1.73 + 1, इट इज 7, ऐड करते हैं ये आपके पास आएगा 2.73। चलिए मल्टीप्लाई करें, इट्स 21.2, 51.5 and 19.11 h मीटर, विच इज द हाइट ऑफ केबल टावर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। इफ यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन, प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई चैनल संजीव सिकरी PV05। थैंक यू वेरी मच।